रोमन रेंज से जुड़ी आई बड़ी खुशखबरी, फास्ट लेन में तय हुआ एक बड़ा मैच और सैमी ज़ेन कब लौटेंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए सैमी ज़ेन की न्यूज के साथ। तो बीती स्मैकडाउन के अंदर केविन ओवंस ने अपना रिटर्न कर दिया है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल पैदा हो चुका है कि अगर केविन ओवंस लौट चुके हैं तो उनके परम मित्र यानी कि सैमी ज़ेन कहाँ है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो सैमी ज़ेन की वापसी भी जल्द होने वाली है और फास्ट लेन के बाद और रेसलमेनिया से पहले जो बीच का समय रहता है वहां दोस्तों किसी एक स्मैकडाउन के शो के अंदर वो अपनी वापसी करेंगे। और जो स्पेकुलेशन चल रही है दोस्तों, उसके अनुसार वो अपने मित्र यानी कि केविन ओवंस को ज्वाइन करेंगे। तो फिर से हमें ये दोनों साथ देखने को मिलेंगे और जो सैमी ज़ेन है उनकी वापसी जल्द होगी। अभी तक इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी दो सर्जरीज हुई है जिसके चलते ज्यादा समय लग गया है। वेल, अब वो लौट जाएंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है फास्ट लेन पीपीवी से। तो फास्ट लेन पीपीवी दोस्तों 10 मार्च को होने जा रहा है और इस बारी की फास्ट लेन के अंदर कई अच्छे मैचेस तय हो रहे हैं और कई होने वाले हैं। लेकिन एक मैच आज तय हो चुका है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप के लिए मैच तय हो चुका है और ये होने जा रहा है मैंडी रोज वर्सेस आस्का के बीच में। तो मैंडी रोज ने दोस्तों पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन में हरा दिया था आस्का को, चाहे जैसे हराया दोस्तों, लेकिन हराया तो हराया, जिसके चलते यहां WWE ने जो मैच बनाया है वो होने जा रहा है मैंडी रोज और आस्का के बीच फॉर द WWE स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप। तो दोस्तों काफी अच्छा मैच तय हो चुका है, नया चैलेंजर देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने जब से अपनी वापसी की है तब से उनके फैंस काफी ज्यादा खुश है। लेकिन अब उन लोगों की खुशी डबल होने जा रही है क्योंकि रोमन रेंस को एक रॉ के लिए ही नहीं बल्कि कई रॉ के लिए एडवर्टाइज किया जाने वाला है। दरअसल इस चीज की सूचना दी है रेसल वोट्स ने। रेसल वोट्स की माने तो बिग डॉग को मई तक हर एक रॉ के लिए एडवर्टाइज किया जाने वाला है, यानी मई तक हर एक रॉ के अंदर वो देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मई के बाद वो नहीं दिखेंगे, मई के बाद भी वो दिखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यूरोपियन जो टूर होने वाले हैं, यूरोप के अंदर जितने भी लाइव इवेंट्स होने वाले हैं उसके अंदर भी बिग डॉग को बुक किया जाने वाला है। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस लाइव इवेंट्स का भी हिस्सा होंगे, साथ ही साथ रॉ के अंदर भी वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कहा जाए कि रोमन रेंस ने अपनी फुल टाइम वापसी कर दी है तो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और न्यूज इसके साथ जुड़ी हुई दे देता हूं। तो कल हमने एक और चीज स्पेकुलेट की थी कि फास्ट लेन के अंदर कौन सा मैच हो सकता है। तो दोस्तों हमने वहां कहा था कि रोमन रेंस का मैच हो सकता है द शील्ड के साथ, जहां वो बैरन कॉर्बिन की टीम को टेक ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये स्पेकुलेशन भी सच साबित हो रही है और आज PW Insider ने इस चीज के ऊपर सूचना ये दी कि जो WWE के ऑफिशियल्स हैं वो वाकई में इस मैच के ऊपर विचार कर रहे हैं और यहाँ दो आइडियाज वर्क कर रहे हैं। पहला आइडिया तो यह है कि द शील्ड को लड़वाना है आपके बैरन कॉर्बिन की टीम के खिलाफ और वहां दोस्तों 3v3 फाइट होगी। दूसरा आइडिया यह है कि क्यों ना ब्रॉन स्ट्रोमैन को एड ऑन किया जाए द शील्ड के साथ और 4v4 मैच कराया जाए, जिसके अंदर उनकी टीम के अंदर अलायंस एड ऑन हो जाएंगे और यहां 4v4 टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये मैच होता है तो काफी ज्यादा मजा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एक चीज कंफर्म होगी वो ये कि ये द शील्ड का आखिरी मैच होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि डीन एम्ब्रोज WWE को छोड़ देंगे अप्रैल के अंत में और अप्रैल में दोस्तों सेथ रॉलिंस को मैच करना है ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। तो यहां दोस्तों द शील्ड हमें आखिरी बार देखने को मिल सकती है एक बड़ा मैच लड़ते हुए। लेकिन सवाल ये रहेगा कि आप 3v3 फाइट देखना पसंद करेंगे या फिर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन को द शील्ड में एड अप होते हुए देखना चाहेंगे, आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी थी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।